हेलो माय क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेंद्र सुधार एंड आई हैव कम अप विद अ पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर साइंस बुक। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट, वेयर डू वी गेट आर फूड। इसका हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले जिन बच्चों ने पिछले दो पार्ट नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, उसमें उन वीडियोज़ को देख लें, और इसी प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा, क्लास सिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट थ्री एंड बाय दिस पार्ट वी विल एंड दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर जो है वो क्या खाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके घर में कोई पैट एनिमल है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, अगर है तो कभी आपने इतना ध्यान दिया है कि वो क्या खाते हैं? और हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि आप अपने पशुओं को, आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनको क्या खिलाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, तो मतलब आपको पता होगा कि ये जानवर क्या खाना खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल है जो कि पैट एनिमल नहीं है वो क्या खाते हैं, कभी आपने नोटिस किया है क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कोई कबूतर हो गया, छिपकली हो गई, या फिर कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा अपने फूड में क्या खाता है? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी। This is activity 6. In this we are having a table 1.5, जिसमें कुछ animals का नाम दे रखा है और किस तरीके का food वो खाते हैं, कौन सा food खाते हैं इसके साथ में दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ animals तो बता रखे हैं, जैसे buffalo हो गया, buffalo eats grass, oil cake, hay, greens। उसके अलावा cat, बिल्ली जो है वो small animals, छोटे छोटे चूहा हो गया, छोटे जानवरों को खाती है, बर्ड्स को खाती है, दूध पीती है। उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट दे रखी है एनिमल्स की, तो आपको इस टेबल को बनाना है अपनी कॉपी के अंदर, और यहाँ पर जो कॉलम आपका दे रखा है फूड द एनिमल्स, एनिमल ईट्स, वहाँ पर आपको लिखना है कि चूहा, रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, ये आपको इस टेबल को पूरा भरना है। तो आगे हम लोग देखें तो इसी एक्टिविटी 6 से रिलेटेड यहाँ पर दूसरी एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 7। उससे हम लोग समझेंगे कि खाना कंज्यूम करने के हिसाब से एनिमल्स को कैटेगराइज कर रखा है। कैटेगराइज कैसे कर रखा है, जैसे कि जो एनिमल्स खाली प्लांट्स को ही खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं मतलब मांस, मच्छी, फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है, और वो एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स, जीव जो कि दोनों ही खाते हैं, दोनों मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो उनको ओमनिवोरस कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टेबल जो है आपका 1.5, उसमें आप देखें और इन तीनों ही कैटेगरी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, प्लांट्स खाने वाले जानवर हर्बीवोर्स, फ्लैश खाने वाले या फिर दूसरे जानवरों को खाने वाले कार्निवोर्स, और दोनों ही जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं मींस फ्लैश खाते हैं, वो आएंगे ओमनिवोर्स के अंदर। तो टेबल 1.5 में जो भी एनिमल्स के नाम हैं उनके आपको फूड हैबिट्स को देखना है, उनके फूड को देखना है कि क्या वो खाते हैं, और फिर उन एनिमल्स को आपको इस टेबल 1.6 के अंदर कैटेगराइज करना है। तीन तो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे हर्बीवोर्स के नीचे इस टेबल 1.6 में दे रखा है काऊ, फिर कार्निवोर्स के नीचे लिखा हुआ है लायन, और ओमनिवोर्स के नीचे लिखा हुआ है डॉग। तो इस तरीके से आपको ये टेबल को पूरा भरना है, सो दैट एट द एंड ऑफ द टेबल यू वुड बी एबल टू नेम हर्बीवोर एनिमल्स, कार्निवोर एनिमल्स एंड ओमनिवोर एनिमल्स। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. आप लोगों को पता है कि इंसानों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रोज़ाना के हिसाब से भी sufficient food नहीं मिलता।
मीन्स कुछ लोग जो है उनके घर पे तो एक्स्ट्रा फूड भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोड पर हैं और ऐसी झुग्गी बस्तियों में हैं, उन लोगों के पास में दिन एक दिन का खाना भी उनके पास नहीं होता। तो वो उसके लिए वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड is made easily available to reach one of us। तो गवर्नमेंट को या फिर हम लोगों को भी ये श्योर करना है कि हम लोग या फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जितना भी ग्रेन्स हैं, जितनी भी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। और उसके साथ में जो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कहीं शादियों में जाएं, पार्टीज़ में जाएं, तो आपको अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना है जितना आप खा सकें। खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, चाहे आप अपने टिफ़िन का खाना हो, आपके घर पे हो, कहीं पर भी आप जाएं, टिफ़िन का खाना भी वेस्ट नहीं करना है। और कहीं पर भी आप जाएं, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाय दिस हैबिट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द सेविंग ऑफ फूड। और इस तरीके से हम लोग जो एक खाना बचाने की जो एक मुहिम है, चाहे आप उसको मुहिम बोले या फिर एक काम है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेशन अपना दे सकते हैं, पॉजिटिव पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो आप हम सभी को ये ध्यान रखना है कि हम अपनी प्लेट में खाना जूठा नहीं छोड़ें। तो इसके साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और इसमें कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है कि आपको इन सारे कीवर्ड्स का हिंदी मीनिंग सर्च करना है डिक्शनरी के अंदर और उसको अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर आपको लिखना है, इन सब वर्ड्स को लिखना है। सारे ये वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं आपके 7 वर्ड्स, उनका हिंदी मीनिंग आपको डिक्शनरी से फाइंड आउट करके अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग इसके जो आप इसके क्वेश्चंस को देखें, अगर आपके पास में बुक है तो, और फिर इस इनके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के बीच में मेरा ये चैनल शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।